मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया भी हैं, कनाडा भी हैं, ये अमेरिका अमेरिका हैं, ये सारे अमेरिका हैं, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और पुर्तगाल भी है, और साइप्रस भी है, और स्पेन भी है, अमेरिका भी है, और अमेरिका, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ये सारे अमेरिका, कुछ इंग्लैंड हैं, अमेरिका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फिर सारे अमेरिका, फिर कनाडा, अमेरिका। वाह वाह, देखो भाई गजब है। गांव में तो कोठियां ही कोठियां, गाड़ियां ही गाड़ियां, बहुत ही मतलब पैसा ही पैसा। अच्छा, बूढ़े ताश पीटते हैं हमारे जैसे है। और अपना मौज, बच्चे वहां से डॉलर भेजते हैं। अच्छा, हम बोल रहा हूं, ठीक है, बढ़िया। कहना मतलब है गांव 80% ही नहीं समृद्ध। लोगों को तो गर्व है कि हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं और वहां से पैसा भेज रहे हैं। गांव की अर्थव्यवस्था सुधरी है, गांव में खूब गाड़ियां हैं, बुलेट मोटरसाइकिल भी गांव में खूब हैं, अच्छी अच्छी कोठियां हैं। बेटा क्या क्या बताता है वहां की सड़कें, वहां की सुंदरता, वहां की सफाई, वहां का खान पान? जो सुंदरता और जो आनंद है उनसे जमीन से फालतू कहीं नहीं है विश्व में, सारी धरती के ऊपर। अच्छा, हाँ, जितनी वहाँ बढ़िया वातावरण है, स्वच्छता है, खाना पीना बढ़िया है, और काम धंधा है, हर तरह से खुश हैं, मन लगता है बच्चों का। अच्छा, बहुत बढ़िया है। कौन से शहर में बताया था आपने? लुसियाना। लुसियाना में, हाँ, थोड़ा ये बच्चा अपने से दूर रहता है, फीलिंग तो होती है, बाकी बच्चे ठीक है। अच्छा, ये तो ये डोंकी वालों को कितने को बताया था आपने पीआर ग्रीन कार्ड मिला है? नहीं, अपने को तो ग्रीन कार्ड उसने वर्क परमिट तो मिल गया था जाते ही, दो तीन महीने बाद। एक सोशल आईडी बनती है, और जैसे भी ड्राइविंग का काम करेंगे लाइसेंस बन जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा। पीआर के लिए थोड़ा प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस में होती बात। कितने को डोंकी वालों को कितने को मिला है ग्रीन कार्ड पीआर? पूरा तो कंफर्म नहीं है। अच्छा, हाँ, कुल मिलाकर सभी ने मिल रहा है, मतलब नहीं, वर्क परमिट मिला हुआ है। हाँ, वर्क परमिट नहीं, ग्रीन कार्ड भाई, वो वहाँ का निवासी, ताकि मतलब पक्का पता नहीं मेरे को। पांच चार बच्चे तो हैं गांव के जो ग्रीन कार्ड ले मिल गए है। पांच चार बच्चे, हाँ, पांच चार बच्चे हैं अमेरिका में जिनका ग्रीन कार्ड है। हाँ जी, हाँ, और वो डोंकी के जरिए गए, गाड़ियां मिली अपनी, इसी बात में। हाँ, डोंकी के जरिए गए। अच्छा, हाँ, गाड़ियां मिले रहे हमारे गांव के लड़के, खुद ही गाड़ी, खुद का है, खुद के, कहीं नहीं रहे, वहां जाके बिजनेसमैन भी बन गए। और क्या बने, क्यों नहीं बता रहे थे? जैसे अमेरिका जाने का रुझान 2 साल में ज्यादा बढ़ गया कोरोना के बाद। 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए, तुम्हारे भाई बहुत जा रहे हैं 6 साल तो पहले तो। अच्छा, हाँ, ठीक है। कोरोना तो पहले बहुत ज्यादा चले, कोरोना तो कम कर दिए। ओके, नहीं तो कोरोना नहीं आंदी, नहीं, हाँ, मां भी जा लेंदे। अच्छा, बूढ़े भी जा लेंदे। अच्छा, हाँ, कोरोना में थोड़ा ऊपर गया नहीं, मतलब आना जाना थोड़ा। ऐसा ऐसा वो बच्चे क्या बताते हैं वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का रहना, और वो जो काम है, किस तरह का काम मिलता है? मतलब ज्यादा मेहनत तो नहीं? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत है, मेहनत क्यों नहीं है, बिना मेहनत तो पैसा नहीं है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें खाना बनाना, कपड़े धोने, घर साफ करना, अच्छा अपना, फिर मजदूरी भी करनी, सारा काम करना पड़े, ठीक है, सारा काम करना, मेहनत करनी पड़े, ऐसे थोड़ा है आराम से पैसा नहीं बनता जी, बच्चों को पूरी मेहनत करनी पड़े, ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे जितने घंटे कमाना नहीं, हाँ, खड़ा रहना, स्टैंडिंग है ना जी, बहुत कठिन हुआ है। और वहाँ अमेरिका में जो ये बच्चे गए हैं, खेतों में भी कुछ काम करे हैं? ना ना, कोई नहीं खेतों में, खेतों में काम नहीं, ना ना ना, कोई नहीं करे हैं, सारे शहरों में, शहरों में स्टोर हो गया या कहीं और, कंप्यूटर होस्टल है, कंप्यूटर है, या फिर ट्रक ड्राइवर है, कोई टैक्सी ले रहा है, अपनी खुद की टैक्सी ले रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये काम बस। तो ये बताओ, जैसे अभी इतने बच्चे जा लिए हैं, खूब डॉलर आ रहे हैं, गाँव का बदलाव, गाँव के मकानों का, यहाँ लोगों के लाइफ स्टाइल का कितना बदलाव, कितनी कोठी नहीं बनी, ये तो आप खुद देख लो, एक बार गाड़ी ले रहे हो आप ही देख लो, हमारे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप देखोगे नहीं, बहुत ही ज्यादा बदलाव है, खूब कोठियां, खूब कोठियां, खूब कोठियां, मौज है, फुल मौज है। अच्छा, सारे बच्चे बताओ, थोड़ा बदलाव गाँव की बताओ, किस तरह से बदला है गाँव में? तो कोठियां ही कोठियां, गाड़ियां ही गाड़ियां, बहुत ही मतलब पैसा ही पैसा। अच्छा, बूढ़े ताश पीटते हैं हमारे है। जैसे है। और अपना मौज, बच्चे वहां से डॉलर भेजते हैं। अच्छा, हम बोल रहा हूं, ठीक है, बढ़िया। कहने का मतलब है, हाँ, गांव 70-80% ही नहीं, हाँ, समृद्धि में है। अच्छा, 10-20 हैं तो वो ही हो जाएंगे, वो भी अपनी तैयारी में है। ओके, जो कुछ रह गए वो ले जाएंगे जो वहाँ बैठे। अच्छा, आप लोगों को ये चिंता नहीं होती जैसे ये बच्चे तो हमारे वहाँ से ले गए, ये वापस तो आवे को नहीं अब वहाँ का, क्योंकि लाइफ स्टाइल इतना मजेदार है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। बुढ़ापा में हम रह जाएंगे अकेले, फिर हमारी ईब तो हम जवान है, बुढ़ापा में सेवा कौन करा, ये चिंता तो होती होगी कोई तो? हाँ, सभी को होती है, फिर बात चलाते हैं, बात चलती है, फिर कंपटीशन हो रहा है आपस में। अच्छा, हाँ, बच्चे अपने आप कहना, हम तो जाएंगे,
वो बच्चे है खुद है कि जब आप नहीं करता जा तू अपने आप तैयार हैं सीना तान के हम तो निकल पड़े देश के लिए देश के लिए नहीं पैसे कमाने के लिए देश के लिए भी देखो वहाँ जो हम इनकम होता है ना उसमें अपना जीडीपी नहीं बढ़ता है अपने देश का जी उसका बढ़ेगा नहीं बिल्कुल यहाँ पैसा होगा देश के तो सारा लगेगा अग्नि लगेगा डॉलर तो आता ही है लगेगा नहीं कुछ खर्च करेगा वो कुछ इन उस पैसे को लगाएगा और देश में भी जाएगा उसका कोई टैक्स जाएगा कहीं कुछ जाएगा। हाँ देखो यहाँ कोठियाँ बनी है गाड़ियाँ खरीदी गई है ये सारा काम तो यही हो ही रहा है देश का तो पैसा तो सर्कुलेट यही हो रहा है वो फिर देखो फिर देश के लिए नहीं हुआ ठीक है उसमें देश का योगदान। मैंने सुनी थी आप लोगों ने कुछ एक कोई यहाँ रजिस्टर बना रखा है और सारा लिखते हो आप कितने कितने बच्चे जा लिए कौन कौन जा लिया ये आपने किसने बताया ये वहाँ एक किसी का बेटा गया हुआ है कोठी बन रही है थोड़े आगे चल के उन्होंने बताया नुलाज वो राज दुकान पे है वहाँ बैठे मिलेंगे लिख रखे तो नुलाज एक रजिस्टर में लिख रखा है गाँव के किसका बच्चा गया है सबका लिख रखा है सबका लिख रखा है अच्छा पाँच दस रह रहे हैं जो गए नए गए नहीं बाकी सब लिख रखे अच्छा दिखाओ रजिस्टर दिखाओ एक बार ठीक है ये देखो भाई ये रजिस्टर है और ये तो गजब का कर दिया है आपका क्या नाम है संदीप शर्मा जी संदीप शर्मा जी अच्छा ये एडिंग लगा दिया इसने विदेश बच्चे देशी बच्चे अच्छा पन वाइज लिख दिया आपने हाँ जी हाँ जी ओके ले भाई अमेरिका कनाडा स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका अमेरिका इटली कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा कनाडा अमेरिका भाई थोड़ा कैमरा मैन ने कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके दिखा भाई एक बार ये देखो विदेशी बच्चे और उदी अपन ने दे भाई नवीन वासिंग अमेरिका अमेरिका कनाडा अमेरिका स्विट्जरलैंड अमेरिका और भाई ये देखो अमेरिका इटली कनाडा अमेरिका क्या बात है गजब अच्छा राणा रोठे ये अलग अलग पन्ने थे पन्ने वाले लिख दिए हमने नाम पिता का नाम देश है ना क्या बात है गजब और बुगदे मिन्नू ये लूले ये पन्ना का नाम है क्या ये अच्छा कुणबे नाम है ये कुणबे में इतने बच्चे जा रहे हैं ये तो थोड़े हैं ओ राणे रोड़े बागड़े हैं क्या बात है जी 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 अच्छा ये तो आपने तो गजब कर दिया सर रोले पाना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अमेरिका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा दोबारा चालू कर दिए फिर चालू कर दिए हैं रूपराम बानी अच्छा इनका आगे देश नहीं लिखा इनका इनका कौन ध्यान कौन हुआ नहीं अच्छा ठीक है और ये सदने सदने ठीक है तो मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया भी हैं कनाडा भी हैं ये अमेरिका अमेरिका हैं ये सारे अमेरिका हैं फिर ये ऑस्ट्रेलिया फिर कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी है और साइप्रस भी है और स्पेन भी है अमेरिका भी है और अमेरिका फ्रांस भी है जर्मनी भी है ये सारे अमेरिका कुछ इंग्लैंड हैं अमेरिका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड फिर सारे अमेरिका फिर कनाडा अमेरिका वाह वाह देखो भाई गजब है और इस गांव के लोगों ने पूरा एक रजिस्टर बनाया हुआ है कि कितने बच्चे गांव के विदेश जा रहे हैं और सब बच्चों का उनके बच्चे का नाम उसके फादर का नाम और कौन से देश में गया है उस सब का इनके पास रिकॉर्ड है अच्छी बात है गाँव का रिकॉर्ड होना से ये इतिहास ऐसे ही लिखा जाता है आपका ये कहना था कि कोरोना नहीं आता तो बूढ़े भी चले जाते उसमें को पड़ गया ना रुकावट आ गई क्या कम है बच्चे क्या कम है वहाँ का थोड़ा हाँ वहाँ की जिंदगी बताओ और ऐसी क्या ललक आप लोगों को लगी हम भी जावा रहे यहाँ में वहाँ में क्या फर्क है जैसे किसी भाई के बच्चे हैं नहीं हाँ। दोनों सेट हो गए मियां बीवी हाँ। तो बूढ़े भी उनके दौर जाऊंगे ऐड के करें काम रूम जाऊंगे अच्छा अच्छा ये हाँ एक और बात बताओ ये जो बच्चे गए हैं ना डोंकी के जरिए और इनको जूते दे एक बार बाबूजी के देव भाई ये जो बच्चे डोंकी के जरिए गए हैं इनमें से क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल गया हो पीआर मिल गई हो खूब है इस तरह के खूब अच्छा ठीक है आपका क्या शुभ नाम है संदीप शर्मा जी संदीप शर्मा जी हाँ जी संदीप जी आप बताओ यूथ में क्या यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है या वैसे एक हमारे यहाँ हरियाणा में भी रीस एक जना चला गया तो हम भी जाओगे किस कारण है सरकारी नौकरियाँ तो है ही नहीं सरकारी नौकरियाँ नहीं है ये जो पहले वो भी घट फौज की भी घट कर दी 3 साल की ठीक है तो मानते हो ना फिर बच्चे क्या करेंगे अच्छा आप भी तो जवान हो आप नहीं गए ठीक फिर मैं तो शादीशुदा हूं बच्चों वाला हूं अच्छा अभी बच्चे छोटे हैं अभी जो बच्चे छोटे हैं अच्छा इस करके नहीं जाओ अच्छा 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 मैक्सिमम वो बच्चे जा रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है हाँ जी हाँ जी तकरीबन बच्चे वाले भी हैं साथ में बच्चे नहीं लेके जा रहे हैं अच्छा ठीक है जो यहाँ मान लिया वहाँ चले जाते हैं तो
वहाँ फिर उसके बाद शादी वहाँ अंग्रेजनों से भी की है किसी ने, ऐसे भी है कोई केस? दो केस तो है जी, है प्रेम में गए हैं, प्रेम में गए कटोडू के, स्पेन में कहीं भी है, मोतिया मोतिया पुत्र विदेशों में शादियाँ की, बिल्कुल है जी, बिल्कुल शादी की, ठीक है ओके। और अब गांव में मेरे को ये कह रहे थे भी गांव में या तो कोई जो जवान बच्चे मिलेंगे ना, या तो वो सरकारी नौकरी में लग चुके हैं, हाँ, या कहीं प्राइवेट में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर खाली आपको कोई बेरोजगार जवान बच्चा नहीं मिलेगा, ऐसा ही है? नहीं, बेरोजगार तो कोई नहीं है जी, जैसे वहाँ से पैसे आ रहे हैं, हाँ, तो उनके पैसे के दम पे कोई ना कोई बिजनेस वगैरह या अपना कोई, मतलब उनके छोटे भाई तो काम चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ यदि किसी के पास काम नहीं है तो फिर विदेश जा रहा है या फिर यहाँ नौकरी कर रहा है? नहीं नहीं, ये जो दो है ना वो तो सर पक्का ये कि जाना जाना उसको परमानेंटली, और लेकिन अकेला भी बहुत जा रहे हैं, अकेले बहुत जा रहे हैं, माँ बाप का इकलौता बच्चा वो भी अमेरिका जा रहा है, और ये ज्यादातर मतलब होती है जैसे मैं चलेगा, मेरा दोस्त है ना, तो वो फिर बोल लेंगे अच्छा भी मेरे को भी जाना ही जाना है भाई, कुछ करो या मेरे जो उसके मतलब सही जमीन है ना वो भेज दो मेरे यहाँ सही जमीन, मेरे को जाना ही जाना है बस, ओके ठीक है। तो आपकी भी बात होती होगी आपके दोस्तों से? हाँ बिल्कुल, कई नंबर है मेरे, बलकार का है, नीला है बाबा, एक कुलदीप शर्मा है, अच्छा हाँ, काफी नंबर। ये ज्यादातर कौन से शहरों में है? ये सब तो अमरीका ही है, कैलिफोर्निया, ये तो तीनों अमरीका ही है, ठीक है, कैलिफोर्निया, अच्छा ठीक है। तो ये बताओ, अब ये भी बताया है जैसे हमारे बच्चे वहाँ अब ज्यादा संख्या में जाने लग रहे हैं, तो पहले इन बच्चों को डॉलर ज्यादा मिलते थे घंटे के, और अब डॉलर कम मिलने लगे, कम मिलते हैं, ये कंपटीशन के ही चलते, ये कंपटीशन के चलते हुए है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा जनसंख्या, क्योंकि ये भी इस करके थोड़ा काम, ये अपने वाले युवाओं तक तो लोग इतना करते ही नहीं, कंप्यूटर पे बैठते हैं या अपने कोई मैं स्टोर कर रहे हैं और बस फोन पे ही देखते हैं अपना, उसी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये लेकिन ये आ जाते हैं, फिर एक बार बच्चा वहाँ पे जाएगा ना, थोड़ा उसको डर है तो थोड़ा खतरा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो इस करके वो यही सोचता भाई जल्दी से जल्दी काम बन जाए, भाई मैं इतने पैसे लगा गया हूँ पूरे करने में, ठीक है। आपका इकलौता बच्चा है? हाँ जी, अकेला लड़का। आपने बड़ी हिम्मत मारी भेजने की? बस परमात्मा जाने जी नहीं, आपने भेजा है, बच्चा गया है? बस ऐसा था जी, उसने दो तीन बार यहाँ सर्विस की ट्राई करी, सर्विस में उसकी बात नहीं बनी, तो फिर बच्चे उसके साथ के जा रहे थे, उसकी कंपनी कमजोर हो गई, फिर भाई हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर सा हो गया, अच्छा जैसे बच्चे रोज गए मैं भी जाऊँ कैसे जाऊँ, कितने कितनी पढ़ाई कर रहा था वो? प्लस टू और आईटीआई कर रखी थी। अच्छा, प्लस टू और आईटीआई कर रखी थी, तो दो बार आर्मी का फिजिकल भी हुआ, उसकी बात नहीं बनी, ठीक है, तो फिर ये परिवार को भी प्रेशर सहन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, चलो वहाँ बिल्कुल फिट है, सेफ है, कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल फिट है जी। ये सबसे बड़ा कारण है, बेटे ने दो बार फिजिकल भी पास किया लेकिन आर्मी नौकरी नहीं मिली। यहाँ जो बेरोजगारी है एक बड़ा मुद्दा है, राजनीति में मुद्दा रहता है, हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी कहती है 2 करोड़ रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं रोजगार कुछ नहीं मिलता, यही कारण है कि हमारा बच्चा विदेशों में आज प्लान कर रहा है। यदि सरकारें इस तरफ कुछ ध्यान दें, प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया है सारा, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, नौकरियां घट रही हैं, मशीनीकरण आने के बाद भी नौकरियां घटी हैं, रोज़गार किस तरह से मुहैया कराए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाया जाए ताकि हाथ का हुनर है बच्चे का वो बढ़े, क्योंकि विदेशों में जितने भी बच्चे हैं, हम किसी विदेश की बात करें, वहाँ हर बच्चे को कुछ ना कुछ हाथ का हुनर आता है, प्रैक्टिकल वर्क वहाँ करवाते हैं, पढ़ाई में भी हमारे यहाँ थ्योरेटिकल रट्टा मरवाते हैं, लेकिन विदेश की जो पढ़ाई है वहाँ थ्योरेटिकल नहीं होती, वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, और वहाँ 2 दिन ही यूनिवर्सिटी में कक्षाएँ लगती हैं जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बाकी 5 दिन हफ्ते के वहाँ उनको प्रोजेक्ट दे जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करना होता है, और प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाते। यही कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रैक्टिकल वर्क यहाँ है नहीं, और जो आईटीआई थी उसका हमने लेवल इतना गिरा दिया है कि आईटीआई में दाखिला लेना भी बच्चे मुनासिब नहीं समझते, बहुत ही जो रफ बच्चे पढ़ाई में होते हैं वही आईटीआई में जाते हैं, उनका भी कहने के एक स्टैंडर्ड है पेरेंट्स का, फैमिली का, कि बच्चा आईटीआई में पढ़ रहा है वो इतना डाउन हो गया है, तो आईटीआई का लेवल बढ़ाया जाए तो भी हमारे यहाँ बच्चों को हाथ का हुनर है, रोजगार है, वो अपना काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी मिल सकते हैं, प्राइवेट बड़ी कंपनियों में उनको काम मिल सकता है, सरकार को ध्यान देना होगा। और कुछ आप लोग अपने मन की बात कहें तो? बस जी, बाकी सब ठीक है, जो बातें आपने पूछी हमने आपको बता दी जी 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 है, और ये सिस्टम है, सारा सिस्टम बता दिया आपने, ठीक है। यानी कि जिनके बच्चे गए हैं सब लोग खुश हैं, पैसा आ रहा है, सुख समृद्धि शांति सब कुछ है, सब खुश है। अच्छा, कोई ऐसा केस तो नहीं है वहाँ से जैसे 35-40 लाख रुपए दे के गए हों और वहाँ फिर डिपोर्ट आना पड़ा, उसको वापस भेज दिया हो? एक आध 2-3 बच्चे आए हैं। अच्छा, बाकी ऐसा किसी के साथ नहीं हो, किसी की जान चली गई या और कोई अनहोनी हो गई हो। हाँ, जितने बच्चे वहाँ गए लगभग 99% कामयाब हुए।
अच्छा ये एक बड़ा मुद्दा है कि वहाँ भाई जंगलों में चलना होता है और बड़ा खतरनाक और मर जाते हैं बच्चे। अब नहीं रहा इतना, पहले हाँ पहले था, अच्छा 8-5 साल पहले, अब तो ठीक ठाक है बस। ओके, थोड़ा मोड़ा, छोटा मोटा है बस, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा खतरे वाली बात अब नहीं है। हाँ हाँ ना, अभी तो थोड़ा ही मोड़ा है बस, इले ठीक है। हाँ पहले तो पानी मन भी चलना पड़ता, जंगलों में भी चलना पड़ता, ठीक है, भूखे भी रहते हैं, अब इतना नहीं है, अब इतना नहीं है। चलो भाई ये थे गांव। हाँ? एक और ज्यादा गए हैं जी, गरीब हालात के आदमी, तो जिनके पास छोटी थोड़ी जमीन थी। हाँ? रोजगार की कमी थी। हाँ? और परिवार चलने का कारण भी नहीं था, मतलब किस कारण से परिवार को चलाएं, कैसे इनका निर्वाह करें, तो मजबूरी में ज्यादा आदमी गए हैं। तो फिर ये 35-40 लाख ये कहाँ से लेगा, जमीन बेची के कर, रिश्तेदारों की मदद है, मित्रों की मदद है, या जमीन बेचनी है, जैसे भी जो भी कुछ हुआ है वैसे करके बेचे। मैं यहाँ भी आपके पड़ोसी गांव जोड़ी में गया था और पोपड़े में भी गया था, वहाँ बताया उन्होंने मेरे को, दिखाया भी, यू 2 किले बेच के गया था और 4 किले खरीद लिए। गांव में भाई 35 लाख तो जुगाड़ होता नहीं है गांव साधारण किसान के पास। जमीन भी बेच के गए होंगे? कहाँ, कुछ भाई जमीन भी बेच गए हैं। हाँ, बाकी कुछ बिना जमीन के भी गए हैं। हाँ, तकरीबन ना सभी तो नहीं, ना ज्यादा नहीं। हाँ, कुलन जो छोटा तबका था ना जमींदार, हाँ, उन्हें तो बेचनी पड़ेगी जी। जिसके पास अच्छी जमीन है उनका ऐसे काम चल गया, उनका या कोई घर में माँ बाप सर्विस मैन है उनका भी चल जाएगा काम ऐसे। ओके, ठीक है ना। या कोई रिश्तेदार अच्छा बढ़िया है वो भी चला देगा काम, नहीं है अपना थोड़ा मोटी देनी पड़ेगी, वो मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो और तो कोई जरिया ही नहीं जी। चलो भाई ये थे अभी हम करनाल जिले के गांव गंगा टेढ़ी में, और यहां के हर दूसरे घर से एक बच्चा अमेरिका में है, और गांव के लोगों से बहुत सारी बातचीत की है। आपके कुछ सवाल हैं तो दर्शक कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी तरह की आगे फिर एक जानकारी वाली वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।